हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। मैं आपके लिए आज एक और शानदार टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। प्राकार संख्या, सम संख्या, विषम संख्याओं को जोड़ना आपने पिछले वाले टॉपिक में सीखा और बेहतर तरीके से सीखा। आज हम प्राकार संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योगफल, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, इस प्रकार से जो सिलसिलेवार तरीके से कुछ सीरीज का योग आपको देता है, वो आज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान चीजें भी हैं। बस आप छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताऊं उसे थोड़ा सा ध्यान से ही देखना होगा आपको। बाकी आप आनंद के साथ, मुस्कुराहट के साथ देख सकते हैं, ज्यादा कोई ऐसी मुश्किलात वाली चीजें नहीं है। बस आप उसे बेहतर ढंग से समझ पाए उसके लिए ध्यान जरूरी है और मुस्कान जरूरी है। चलिए तो सीखते हैं प्राकार संख्याओं के वर्ग और घनों का क्या होता है। जैसे आप देखते हैं, ऐसे अभी थोड़ी सी बात मैं करूं, कई बार ऐसा होता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये चलता रहे कि इसे जोड़ के बताइए। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है ये 20 से कहीं से चालू हो, ये 11 से भी चालू हो सकते थे, कि 11, 12, 13 से कहीं से, तो 20 से भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये हो सकता है आपके पास 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार की कुछ चीजें हो कि ये सम संख्या में हो सकता है ये विषम संख्या में भी हो। इन सभी को हम आज जोड़ना सीखेंगे, बड़े आसान तरीकों से जोड़ना सीखेंगे, और उसी के साथ साथ घनों वाली बातों को भी। घन आप जानते हैं, घन वाली जो चीजें होती हैं, घन किसे कहते हैं, तो घन आप 3 घात को कहते हैं। किसी भी संख्या के 3 घात लगी हुई हो उसे आप घन कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ऊपर बने हुए हैं, वो 3 3 घात में भी यदि बना दिए जाएं तो उन्हें कैसे आप सरल तरीके से करते, इन्हीं की चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं, पहले कुछ बातें देखते हैं, कुछ चीजें जो आपने पिछले दिनों सीखी हैं उन पे भी नजर दौड़ा लेते हैं। चलिए, देख ही पा रहे होंगे आप ज्यादा कुछ। हाँ, तो यहां पर क्या है इसे देखते हैं। सबसे पहले जो आपने चीजें सीखी वो पिछले चैप्टर में ये सीखी थी कि प्रथम n प्राकार संख्याओं का योगफल क्या होता है, यानी एक चीज आपने सीखी थी 1 प्लस 2 प्लस, ध्यान से देखना इन चीजों को, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, चलो यहां तक ही कर लेते हैं। इसको जोड़ना सीखा था कि इसे आप कैसे बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं, आसान तरीके और फास्ट तरीकों से जोड़ सकते हैं। वो तरीका हमने सीखा था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए, तो आप n लेते थे, जितनी संख्या थी वो लेते थे, और पहली संख्या को जोड़ते थे, 1 और 7 कितना हो गया, 8, 8 में 2 का भाग देते थे, और ये नंबर कितने हैं उससे गुणा करते थे। ये 7 संख्या है तो हम 7 से गुणा करते थे। जितनी भी समान अंतर वाली श्रेणियां चलती हैं, जिनमें गैप समान है, चाहे सो वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, जिन पे ऊपर घात नहीं लगी हुई हो, उनको जोड़ने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि लास्ट वाली संख्या और पहले वाली संख्या को जोड़कर आप 2 का भाग उसमें लगा दें और संख्याओं की संख्या से उसे गुणा कर दें। इसे आप काटते तो आप कहते 4 बार कटता सर, 7 चौक कितना हो जाता, 28 हो जाता। ये चीजें हम पिछले ही क्लास में, क्लास नंबर 18 में सीखते हुए आए हैं। अब दूसरी जो बात है वो कुछ इस अंदाज में क्वेश्चन हो सकता है कि यही चीजें आपके पास ऐसे हो सकती हैं। आज ये सीखना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, या 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, ये जो सिलसिला है, 5 की घात 2, 6 की घात 2 और 7 की घात 2, इसे कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान देना। ये चीजें आज सीखनी है आपको, इनके भी कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जिनसे ही आप इन्हें जोड़ सकते हो। और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें काफी सारे आपको उल्टे सीधे तरीके करने पड़ते हैं, तो वैसा कुछ हम करेंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे सीखेंगे। जब भी ऐसा आए तो कैसे जोड़ेंगे, एक से चालू होनी चाहिए प्रथम n प्राकार संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहां ध्यान से देखिए, प्रथम n प्राकार संख्याओं के वर्गों का योगफल जो आपको PDF दी जाती है, उसमें सारी चीजें मेंशन करी हुई होती हैं,
उसे भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। उसमें सवालों से पहले जो चीजें मैं आपको ऊपर थ्योरी के रूप में देता हूं उन्हें भी पढ़ा करें थोड़ा थोड़ा, जिससे हम मैथ्स को एग्जाम में बिल्कुल पार पा सकें, हरा सकें उसे। और एग्जाम में यदि आप मैथ के प्रश्नों से अच्छे से लड़ना सीख लेते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में बहुत सारे नंबर मिलते हैं। बाकी तो आप अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में आप खुद ज्यादा बेहतर मेरे से जानते होंगे। तो चलिए, इस प्रकार का मामला हो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर करते करते ये सिलसिला सात के स्क्वायर से, तो शुरू से कहीं भी स्क्वायर लग रहा हो और वहां तक जाना हो तो आप क्या करते हैं, जो लास्ट नंबर है आपके पास सात, उसे लेते हैं। ध्यान देना कैसे, नंबर नंबर से एक ज्यादा, नंबर के 2n+1, इसे मैं जैसे कह रहा हूं वैसे याद करेंगे। संख्या, ये कितनी संख्या है, एक से लगाकर सात है, तो सात लेंगे आप, सात के बाद इससे एक ज्यादा, सात से एक ज्यादा, संख्या से एक ज्यादा, तो आप कहेंगे सर आठ। संख्या लेंगे वो कितनी संख्या है, यानी सात तक वर्ग है तो सात संख्या है। संख्या, संख्या से एक ज्यादा से गुणा करेंगे उसे, फिर संख्या के डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, संख्या, संख्या से एक ज्यादा, उसके डबल से एक ज्यादा, तो सात का डबल 14, 14 से एक ज्यादा होगा 15, और डिवाइड 6, 6 से या 1, 2, 3, 1, 2, 3 हम तो कई बार ऐसे भी याद करते थे कि संख्या 7, इससे एक ज्यादा 8, ध्यान दीजिएगा, संख्या के डबल से एक ज्यादा, तो 7 × 2 = 14 और एक ज्यादा 15, इसमें 1, 2, 3 का भाग देना है, 1, 2, 3 का मल्टीपल है वो 6 होता है। सूत्र तो ये होता है कि 1, 2, 3 का भाग देना है हमेशा, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि इसे 6 लिख देते हैं एक साथ ही। आप याद रखने को 1, 2, 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 से आप आसानी से यहां काट पाएंगे 4 टाइम, यहां काट पाएंगे 5 टाइम, 5 × 20, 20 × 7 = 140, इसका टोटल क्या हो जाता, 140 हो जाता। बेहतर है, आसान है, कर सकते हैं, छोटी सी बात है। चलिए इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ आगे और ज्यादा अलग अलग बातें हम करेंगे। मान लो आपके पास यही चीजें ऐसे होती, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करते करते ये 10 का स्क्वायर होता, तो आप इसे कैसे जोड़ते। स्क्वायरों को जोड़ना आपको आज सीखना है, कैसे धीरे धीरे देखें, मैं जितने भी प्रश्न दिखाऊं सिर्फ उन्हें सुन लें और देख लें, उसके बाद आप कोई भी अपने मन में से कुछ भाव उठे उन्हें प्रकट कर सकते हैं। बाकी पहले आप चीजों को सुने। तो देखिए, आपको कहा गया कि एक से जब भी चालू हो, ये भी ध्यान रखें कि ये प्रक्रिया तभी लगाते हैं जब ये एक से लगाकर चालू हो। तो एक से जब ये चालू हो तो आप ये कह सकते हैं कि सर जितनी ये संख्या है उनको ले लो। तो आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर यानी 10 तक है, तो उस 10 को ले लीजिए, संख्या को ले लीजिए यानी एन ले लीजिए। सूत्र के हिसाब से देखें तो n n+1 2n+1 / 6 6 या 1, 2, 3 अपोन में, 1, 2, 3 का मल्टीपल अपोन में, ऐसा सोच सकते हैं। हम तो ऐसा सोच के याद रखते थे इसे कि संख्या कितनी है, संख्या, संख्या से एक ज्यादा तो आप कहेंगे सर 11, और संख्या के डबल से एक ज्यादा, 10 से एक ज्यादा, 10 के डबल से एक ज्यादा, तो 10 का डबल 20, 20 से एक ज्यादा होगा 21, और नीचे 1, 2, 3 का भाग, 1, 2, 3 या 6 एक ही बात है, 6 का भाग दे लें या 1, 2, 3 का भाग, 1, 2, 3 का भाग वो ही 6 का भाग होता है, ऐसे याद करते थे हम। तो 2 को 10 को काट दीजिए 2 से, तो 5 टाइम, 3 को काट दीजिए यहां से 7 बार, और 11 × 7 = 77, और 77 × 5 = 385, तो 7 × 5 = 35, और 7 × 5 = 35 335, 385 हो गया है। आगे सवाल भी देखेंगे, आसान सी चीज है, मेरे हिसाब से आप इसे समझ ही गए होंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि घनों को कैसे जोड़ते हैं, बाकी तो हम सवालों के साथ प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। घनों को कैसे जोड़ते हैं उसे देखते हैं कि घनों का जो मामला होता है वो क्या होता है। ऐसा होता है अपने पास, चलिए थोड़ा, आपके पास कहीं है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुणा करें + 4 का क्यूब, इसे कैसे सोल्व करेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बाकी तो ये 10 तक 20 तक 30 तक कहीं तक भी हो वहां तक ये जोड़ा जा सकता है, आसान है, आराम से जोड़ा जा ही सकता है। तो देखिए इसे जोड़ने का तरीका, ये जो नीचे लिख रखा है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल क्या होगा,
तो घनों का योगफल होता है संख्या, संख्या से एक ज्यादा बटे दो। जैसे आप सामान्य नंबरों को जोड़ते थे, ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन चार इनको जोड़ते थे, जैसा हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के दो का भाग दे दीजिए, यानी पांच बटा दो कर दीजिए, और ये कितनी संख्या है चार, काटिएगा दो, तो दो से पांच दुआ दस, यहां तक दस आया, तो यहां तक इसे जोड़ेंगे तो ये दस का स्क्वायर आएगा। वहां होता है इनका स्क्वायर आता है, यानी कि जितने लोग होते हैं उसका स्क्वायर फॉर्म बनता है। तो आप कैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है चार चार, इससे एक ज्यादा पांच, और इसमें दो का भाग, और इसका वर्ग कर देना है, यानी यहां से जो आए उसको उसी से गुणा कर देना है, यानी चार गुणा पांच बटे दो से ही इसे अगेन गुणा कर देना। तो यहां से सोल्व कर लेना वो वाली चीज, तो स्क्वायर में ही आ जाएगी, तो समझ पाए होंगे ये वर्ग। तो अब दो से काट दीजिए, इसे दो बार, पांच दुआ दस हो जाएगा, दस गुणा दस हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाता 100। छोटी सी बात है, कहीं तक भी हो ऐसा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सवालों में देखेंगे इनको, बहुत छोटी सी बात है ये वैसे। चलिए मैं कहीं पे ऐसा लिखता कि एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस चार का क्यूब, करते करते ये सिलसिला चला है दस के क्यूब तक, दस को तीन बार गुणा करें यहां तक, तो इसे कैसे सोल्व करते? तो आप कहते सर दस तक का क्यूब है, ये प्रक्रिया तभी लगा सकते हैं जब ये एक से चालू हो, बाकी और जगह से चालू हो वो भी बात में करूंगा आपके साथ। तो आपको क्या करना है, वो संख्या ले लेनी है, संख्या से एक ज्यादा ले लेना है, बटे दो कर देना है और इसे काट देना है, 11 पंजे 55 आ गया, और इस 55 का स्क्वायर कर लेना है, यानी 55 गुणा 55 कर लेना है। 55 को 55 से गुणा करना बेहद आसान है, आगे हम सीखेंगे वर्गमूल घनमूल में इसे आराम से वर्ग करना सीखेंगे, तो ये हो जाएगा 3025। बहुत आसान चीज है ये, आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। 3025 इसका राइट आंसर होता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और देखते हैं। एक छोटी सी बात ये भी है, अच्छी बात है, और डायरेक्ट इस पे सवाल कई बार आपसे पूछे हुए हैं। चलिए सवाल क्या हो सकते हैं इससे, उसे देखिए। सभी प्रथम n सम और विषम प्राकर संख्याओं के वर्गों के योगफल का ये डायरेक्ट एक आसान सा सूत्र है, आसान सा फॉर्मूला है, सूत्र पे नहीं जाइएगा आप, मैं जैसे आपको कह रहा हूं वैसे आप चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान से तलाशिएगा। जैसे मैं तीन क्वेश्चन लिखता हूं, तीन प्रकार से, एक है एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, करते करते हमने दस तक के स्क्वायर को देखा। एक तो ये तरीका है, पहला ये सीख ही चुके हो आप। दूसरी बात ये हो सकती है आपके पास कि एक का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस पांच का क्यूब प्लस सात का क्यूब, तो आप वो सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं हम, तो ये सभी और नौ का स्क्वायर, स्क्वायर इनको जोड़ना। अब कह रहा है कि विषम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर आपसे कह दे हो सकता है सम संख्याओं का स्क्वायर दे दे, दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, इसे जोड़िए दस का स्क्वायर, ऐसे कह दिया आपको। ये तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहले वाली चीज आप देख चुके हो कि फर्स्ट वाली चीज को आप सोल्व भी करना देख चुके हो कि शुरुआत वाली को कैसे सोल्व करते हैं। इसका जो सूत्र था कि जो संख्या है उसको उसके एक ज्यादा से गुणा कीजिए, एन प्लस वन से गुणा कीजिए, फिर n प्लस वन के बाद 2n प्लस वन से गुणा कीजिए, अभी मैं सूत्र भी साथ में लिख देता हूं, 2n प्लस वन से, और 6 का भाग दीजिए उसमें। ये पहला तरीका था n, यानी कि वो संख्या, संख्या से एक ज्यादा और संख्या के डबल से एक ज्यादा से गुणा कीजिए और 1 to 3 यानी कि 6 का भाग दे दीजिए या 1 to 3 का। तो इसे सोल्व करना आसान था, इसे सोल्व करने का तरीका देखा था कि एक से लगाकर ये चालू हो तो फिर ये 10 हो जाता, 10 से एक ज्यादा हो जाता 11, 10 के डबल से एक ज्यादा तो 20 और एक 21, और 1 to 3 या 6 का भाग, 1 to 3 कह दें या 6 एक साथ कह दें, काट लेते दो से कटता पांच बार,
ये करता 7 बार, 7 × 5 = 35, 35 को 11 से गुणा करते 385। पहले का जवाब 385 कुछ देर पहले ही आया था। हम बात करना चाहते हैं दूसरे वाले की, हम बात करना चाहते हैं कि ये दूसरे वाला क्या होगा। ये पहले वाला तो पता ही है अपने को, ये तो हमने सॉल्व कराई है, इसका तो सूत्र थोड़ा सा आपकी आंखों के सामने रहे बस, ये 1, 2, 3 या 6 डिवाइड। चलिए अब सेकंड वाले का देखते हैं कि सेकंड वाले का क्या है हिसाब किताब। इसको करने के लिए ऊपर देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, आपकी पीडीएफ में भी मैंने लिख के दिया है। फॉर्मूला क्या है उसे देखिए, एल एल प्लस वन एल प्लस टू अपॉन में 6, वैसा ही है जैसे इसके अपॉन में 6 है। संख्या संख्या से एक ज्यादा और संख्या से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा नहीं, दो ज्यादा, ध्यान दीजिए चाहे से सम हो, इन दोनों को सेम तरीके से जोड़ते हैं दोनों को, लेकिन कैसे जोड़ते हैं वो ध्यान देना। ऐसे गिनना नहीं है कि ये कितनी संख्या है, लास्ट वाली संख्या कितनी है, एक से लगाकर ये चालू हो, एक से लगाकर चालू हो तब की बात है ये, तो यहां एक से लगाकर चालू हो तो ही ये सारे नियम एप्लीकेबल होंगे, बीच से आ जाए तो आगे चर्चा करेंगे कैसे। चलिए ये 9 है तो आप क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 9 से एक ज्यादा ले लेंगे 10 और 10 से एक ज्यादा ले लेंगे 11, बस बहुत छोटी बात है, 1, 2, 3 से आप इसे गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे 5 टाइम, 3 से काटेंगे 3 टाइम, तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 165 आएगा, 165 होगा। आप वैसे भी जोड़ के देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसी प्रकार से 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, वो सॉरी 9 का 81 होता है। तो यहां से बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे, 9 × 1 = 10 और 25 = 35 हो जाता है, यहां से इसमें 1 मिलाने से 50 हो जाएगा, उधर 80 बच जाएगा, 80 और 50 = 130 हो जाएंगे, 130 और ये 35 और जोड़ेंगे तो 165 हो जाएंगे, समझ ही पाए होंगे कैसे 165 हुआ। दूसरा जो नीचे सवाल लिखा हुआ है उस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, नीचे वाले सवाल का मामला है कि 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर यानी सम संख्या के वर्गों का योगफल है, इसी तरीके से करना है, इन दोनों के सेम सूत्र हैं, शुरुआत से ये चल रही हो तो जिस नंबर तक है, जैसे यहां 9 था तो 9, 10, 11 कंटिन्यू, और बटे में 6 का भाग यानी 1, 2, 3 का भाग, यहां भी ये 10 तक है तो आप 10 एक ज्यादा इससे 11 और एक ज्यादा 12, बस हो गया काम, 1, 2, 3 यानी कि 6 का भाग दे दें, या 1, 2, 3 का भाग, 3 से काटा 4 टाइम और 2 से काटा 5 टाइम, 5 × 20 हो जाते और 11 × 2 = 22 हो जाते, 220 आपका राइट आंसर होता। ये चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी सवालों के साथ हम इनको आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें। चलिए अब सवाल दिखा देता हूं मैं, अब आप थोड़ा सा सही तरीके से देख पाएंगे परीक्षा में कैसा सवाल पूछे गए उसे देख लीजिए आप। तो ये परीक्षा में इस टाइप से आपसे सवाल पूछे गए, पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है और बहुत बार ये आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम सवालों को करना। जब भी संख्या प्राकृत यानी एक से चालू हो और उनके वर्गों को जोड़ना हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से उन्हें जोड़ना हो तो आपको करना क्या है, यहां से लेकर एक से लगाकर कहां तक है ये देखेंगे, तो आप कहेंगे सर 7 तक है, तो आपको 7 ले लेना है, ध्यान देना है 7 ले लेना है, 7 से एक ज्यादा यानी कि 8 ले लेना है, और 7 के डबल से एक ज्यादा तो 7 × 2 = 14, 14 से एक ज्यादा कितना होगा 15, इसमें 6 का भाग देना है 6 का, या आप कह सकते हैं 1, 2, 3 का भाग देना है, 1, 2, 3 का भाग देना है, तो मैं कहूंगा कि इसे 4 बार काट लीजिए और इसे 5 बार काट लीजिए, 5 × 20 होगा और 20 × 7 = 140 होगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाना है वो ए ऑप्शन हो जाना है। बेहद छोटी सी बात है, सूत्र की बात करें तो मैं बार बार उसे इसलिए लिख रहा हूं कि आपके जहन में चला जाए, n होता है, n प्लस 1 होता है और 2n प्लस 1 दुगने से एक ज्यादा, इसे ऐसे याद रखें, डबल से एक ज्यादा, संख्या से एक ज्यादा और संख्या को गुणा कर दें और नीचे 6 का भाग दे दें, 6 को आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 6 को, एक ही बात है,
तो ये चीजें हैं, इसे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये तब लगता है जब संख्याएं एक से चालू हो, एक से रनिंग होना जरूरी है तभी ये लगेगा सूत्र। जैसे यहां पांच से चालू हो गई तो फिर उससे पहले की चीजों को घटाना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे हम। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देख ही पाए हैं इनको, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए अच्छे से कर सकते हैं अब आप। मुझे नहीं लगता कि ये भी आपके लिए कोई मुश्किल भरा सवाल है, दस्तक अभी कुछ ही देर पहले मैंने करवाया था। तरीका होता है कि संख्या संख्या से एक ज्यादा जब भी एक से चल रहा हो, एक से स्टार्ट हो रहा हो ये सवाल, एक से चल रहा हो कहीं तक भी जा रहा हो, कंटिन्यू प्राकर संख्याओं के वर्ग दे रखे हों और जुड़वाए, दो दो घात वाली संख्याओं को जुड़वाए, तो ये तरीका होता है संख्या संख्या से एक ज्यादा, संख्या के डबल से एक ज्यादा और सिक्स का भाग। सिक्स को आप 1, 2, 3 का भाग भी कॉल कर सकते हैं। मैं तो ऐसे याद रखता था कि एक से लगाकर कहीं तक के भी वर्गों को मुझे जोड़ना है तो कौन सी संख्या लास्ट में है, 10 संख्या को ले लेता, संख्या से एक ज्यादा ले लेता 11, इसके डबल से एक ज्यादा 10 के डबल से एक ज्यादा तो 10 का डबल 20, एक ज्यादा 21, ऐसे मन में ही कर लेता और भाग देता था 1, 2, 3 का, 1, 2, 3 का भाग देता था। तो यहां काट देता ये 5 बार और ये काट देता 7 बार, 7 × 5 = 35 और 35 को 11 से गुणा करें तो 35 × 2 = 350 होते हैं और 35 × 385 आपका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। आसानी से देख लीजिए, कोई भी ज्यादा आपको इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत भरा ये क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप इसे कर ही पाएंगे। एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर जब भी चले तो संख्या यानी कि n लेना है, n प्लस वन लेना है, 2n + 1 लेना है यानी डबल से एक ज्यादा, संख्या संख्या से एक ज्यादा, संख्या के डबल से एक ज्यादा में 6 का भाग या 1, 2, 3 का भाग, ये समझ पाए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे ही जिससे आप थोड़ा और अच्छे से उन चीजों को समझ पाए। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, बस आप हो सकते हैं कुछ लोग उसे देखकर भ्रमित हो जाएं, वैसी ही कुछ बात है जो तीसरे क्वेश्चन में है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन पर्सन में आप देख पाए थोड़ा सा अच्छे से। तो एक का स्क्वायर है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर कहता हूं, 9 को मैं 3 का स्क्वायर कहता हूं, करते करते 400 है तो उसे 20 का स्क्वायर कहते हैं। समझ में आ गया होगा ऊपर पर्सन कैसे लिखा हुआ था, बातें वही थी, बस उसे अब की बार थोड़ा हल करके दिखा दिया तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे का काम आप पिछले कुछ मिनटों से सुन ही रहे हैं कि जब भी एक से चल रहा हो और वर्गों का मामला प्राकर संख्याओं का कंटिन्यू चल रहा हो तो आप संख्या को ले लेते हैं, संख्या से एक ज्यादा ले लेते हैं, संख्या के डबल से एक ज्यादा ले लेते हैं और नीचे भाग देते हैं 1, 2, 3 यानी कि 6 का, बस सॉल्यूशन हो गया। अब आप कह सकते हैं संख्या लास्ट वाली 20 है, कभी 400 को मत ले लेना, 20 कौन सी संख्या का स्क्वायर है उसे लेना है, तो लास्ट संख्या 20 है, एक से चल रहा हो कंटिन्यू लगातार और वर्गों को जोड़ना हो तो लास्ट में कौन सी है उसे लेंगे, उससे एक ज्यादा लेंगे 21 और जो संख्या यानी 20 से एक ज्यादा, 20 के डबल से एक ज्यादा तो 20 का डबल 40 और एक ज्यादा 41 और नीचे 1, 2, 3 का भाग, 6 का भाग होता है 1, 2, 3। देखिए 6 को मैं 1, 2, 3 लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्ट काट पा रहा हूं उसे, 2 से काट लीजिए 20 को 10 बार, 3 से काट लीजिए 7 बार, अब गुणा करेंगे तो 41 अंत कर लीजिए, 10 की तो एक जीरो आनी ही आनी है, तो 10 की तो आप कह दीजिए कि सर एक जीरो आएगी 10 की तो लास्ट में, और 7 × 7 और 7 × 4 = 28, 2870 आपका राइट आंसर होता जो ए ऑप्शन में लिखा था। आसान है, शुरुआती तीनों ही प्रश्न आप समझ गए होंगे, एक एक चीज मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बता दी है इसमें और आप अब इन्हें कर भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वैसी ही कुछ चीजें हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा एक मामला दिया है, कई तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। पहला मामला है कि ऊपर दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 10 तक के स्क्वायरों को जोड़ते हैं तो 385 आता है, मतलब उस चीज का कहीं ना कहीं यूज नीचे हो रहा है,
तो इसमें यूज ले लीजिए। एक होता है कॉमन लेने वाला तरीका। कॉमन लेना हम सरलीकरण में बहुत सारा सीखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा उस टॉपिक में। अभी आगे कुछ ही क्लासों बाद आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। तो कॉमन लेने का तरीका होता है एक कॉमन कि आप इनमें से कॉमन लीजिए चीजों को। कॉमन कैसे, जैसे मान लो ये 2 का स्क्वायर है और 20 तक के स्क्वायर से 2 का भाग जाने वाला, 2, 4, 6, 8 2 का भाग जाने वाला या 2 का पाड़ा है, 3 का पाड़ा है, इस प्रकार के सिक्वेंस में, तो शुरुआती पद को कॉमन ले लें आप। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहां 1 की पावर 2 बच जाएगा, फिर 2 की पावर 2 बच जाएगा। ये समझ पाए होंगे कैसे बचेगा। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 2 ही कॉमन ले लें, तो कॉमन लेना भाग देना, तो 1 गुणा 1 बचता है, तो 1 गुणा 1 बचता है। 4 गुणा 4 में से 2 गुणा 2 कॉमन ले लें, 4 गुणा 4 में से यदि 2 गुणा 2 कॉमन ले लें तो 2 काटता है 2 बचता है, 2 काटता है 2, तो 2 की स्क्वायर बचता है। तो ये कॉमन लेना भी आपको साधारणतया आता ही होगा। चलिए फिर 6 में से 2 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 की पावर 2 बचता है। ऐसे बचते बचते 10 की पावर 2 बचेगा 20 तक। एक जिसको कॉमन लेने का तरीका याद था वो इसे डायरेक्ट करता। एक तरीका और है डायरेक्ट, वो अभी शेयर करेंगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी थ्योरी में। तो अब 2 की पावर 2 बाहरी साइड में है आपके पास में, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और इस पूरे खाने का मतलब प्रसन्न ने दे रखा है। इस पूरे खाने का मतलब प्रसन्न ने आपको गिविन करा है 385, और 385 को आप गुणा करें तो ये 400 के लगभग है। तो आप ये कह सकते हैं ये 400 होता तो 1600 हो जाता, 400 गुणा 4 1600, लेकिन 15 कम है तो 15 चौक 60, यानी 4 जनों में 60 कम हो जाएगा। तो आप 1600 में से 60 कम करेंगे तो 1540 आ जाएगा। कैसे भी गुणा कर लीजिए, 4 से गुणा कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी ये 400 के पास संख्या थी तो गुणा भी कर सकते हैं आसानी से। 1540 आपका सही जवाब होता। यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी, आसान चीज है, कर सकते हैं, आसानी से बढ़ सकते हैं। चलिए और चीजें देखते हैं इसी प्रकार की खूबसूरत खूबसूरत सी चीजें। बहुत ही शानदार सवाल आज आपके सामने आएंगे, उन्हें आप देखते रहें। पांचवा जो क्वेश्चन है आपके पास, अब ये 11 से पूरी पिछले प्रश्न को मैं एक तरीके से और बता देता हूं। चलिए वापस से देखिए पिछले प्रश्न को, मैंने कहा था एक तरीका और बताऊंगा आपको और उसे बताया नहीं, अब बता देता हूं। इस क्वेश्चन में एक तो तरीका था कि कॉमन लिया आपने, कॉमन लेने से 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, यानी 4 कॉमन आ गया और बाकी चीजें ऊपर जैसे बच गई 385 से गुणा कर दिया, तो यहां से तो आप 1540 बना ही सकते हैं। ये तो तरीका था ही था। दूसरा तरीका, कोई भी सम या विषम संख्याओं की श्रेणी चल रही हो, सम या विषम संख्याओं की श्रेणी का वर्गों का योगफल चल रहा हो, वर्ग समझ गए होंगे, दो दो घात में सम या विषम संख्या चल रही हो, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि संख्या संख्या से एक ज्यादा और संख्या से दो ज्यादा, उसमें 1, 2, 3 यानी 6 का भाग दे दें। बहुत आसान है, ऐसी चीज 2 से चालू होनी चाहिए या फिर ये 1 से चालू होनी चाहिए। देखो विषम संख्या होंगी तो 1 से चालू होंगी, तो सम संख्या इस प्रकार से चालू हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 से चालू है बस ये देख लें, और सम संख्या लास्ट में कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20, तो 20 को ले लें, ध्यान देना 20 से एक ज्यादा ले लें, यानी 21 को ले लें, और 21 से एक ज्यादा ले लें, मतलब एक एक ज्यादा ले लें, जब भी सम या विषम संख्याओं के वर्ग आ जाएं, और अब 1, 2, 3 यानी कि 6 का भाग दे दें, 6 का या 1, 2, 3 कुछ भी कह सकते हैं आप, ऐसे आप इसे काटेंगे तो आपके पास ये 10 बचेगा, और इसको काटेंगे तो ये 7 बचेगा, 22 को यहां से गुणा करेंगे, 7, 2, 14 4 बचेगा 1, 7, 2, 14 5 यानी 1540 आपका राइट आंसर आएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसे, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। चलिए बढ़ता हूं मैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये चीज है, अब 11 से आ गई। आप कहेंगे सर आपने तो यही कहा है कि जब ये 1 से हो तब तो आप इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 11 से आ गया तो हम कैसे जोड़ेंगे। कई तरीके हो सकते हैं उसे, लेकिन हम उसी तरीके से जोड़ेंगे। जब भी ये 1 से आता है तो हम जोड़ने के कैपेबल होते हैं, 1 से होता तो जोड़ लेते, लेकिन यहां 10 तक की चीजें तो है नहीं, 11 से चालू है,
तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, 11 से 1 से 20 तक का जोड़ेंगे, 1 से 20 तक का जोड़ेंगे आप, 1 से 20 तक का योग माइनस क्या करेंगे 1 से 10 तक का योग, इसमें से 10 तक का योग घटा दीजिए। करना क्या है, जब भी इससे पीछे का हो तो आप 1 से तो जोड़ ही सकते हैं, तो लगातार 1 से 20 तक जोड़ लीजिए। लेकिन आप 1 से 20 तक जोड़ेंगे तो आप ये सोचेंगे सर हमें तो 11 से जोड़ना था, तो आप इससे पिछले वालों को उसमें से हटा दीजिए भाई। तो आपको 1 से 20 तक जोड़ने का तरीका बताया था मैंने कि कैसे जुड़ता है संख्या n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, जब भी वर्गों को जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं, और इसमें किसका भाग देते हैं 6 का। तो ये तरीका अप्लाई कर दें यहां पर, और अब 1 से 20 तक अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा, 20 से 1 ज्यादा 21 हो जाएगा, और 20 के डबल से 1 ज्यादा तो 20 दुआ 40, और 40 से 1 ज्यादा, इसका 1 ज्यादा इसके डबल से 1 ज्यादा यानी 2n प्लस 1, और 6 का भाग मतलब 1 2 3 का भाग माइनस 1 से 10 तक, तो वही प्रोसेस 10 गुणा इससे 1 ज्यादा 11, इसके डबल से 1 ज्यादा तो 21 बटे में क्या होगा 1 2 3, और इन्हें घटाने से आपका उत्तर आ जाएगा। ये था, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके भी सरल कर सकते हैं, दोनों तरफ 21 दिख रहा है तो कॉमन लिया जा सकता है 6, बाकी ये तो कट ही रहा है, 2 काट देगा यहां 10 बार, 3 काट देगा यहां से 7 बार, और 41 अंते 287, 7 का पहाड़ा बोलते यानी 2870 तो इधर आ जाता, और 3 काट देता 7 बार और ये 5 बार, 385 यहां आ जाता। तो 2870 में 385 घटाएंगे तो 2485 आपके पास बचेगा, 2870 में 385 घटाएंगे तो 2485 बचेगा, यानी 11 से 20 तक के वर्गों का योगफल आपके पास आए तो आप केवल 1 से 20 तक के वर्गों को जोड़ने का तरीका जानते हैं। तो 1 से 20 तक आप भले ही जोड़ लें उसको, लेकिन उसमें से घटा दें जो 11 के स्क्वायर से पहले पहले के नंबर हैं उनके योग को घटा दें, तो 1 से 20 तक का जोड़ लें और 1 से 10 तक का जोड़ लें और दोनों को घटा दें तो 1 से वो 11 से 20 का योग आ जाएगा। जैसे मान लो कोई आपसे ये कहे कि हमें तो आप ये बताइए कि 31 से 50 तक का योग बताइए, 31 से 50 तक का योग बताइए, आप 1 से लेकर 50 तक जानते हैं या 1 से 31 तक, तो यहां क्या होगा 1 से 50 तक जोड़ लीजिए और इसमें से माइनस क्या कर दीजिए 31 से पहले पहले का कर्म कर दीजिए, तो 30 तक, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक का योग आप इसमें से माइनस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और बेहतर सवालों के साथ, अगले सवाल को लेते हैं, छठे क्वेश्चन को, कुछ वैसा ही विषम संख्याओं की बात आई है यहां पर, तो विषम संख्याओं को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसका तरीका सम हो चाहे से विषम हो। देखिए सम या विषम, ध्यान दीजिएगा, सम विषम किसी के भी वर्गों का योगफल आ जाए, लेकिन ये 1 से चालू होना चाहिए, शुरुआत से चालू होना चाहिए, मतलब ये स्टार्टिंग से है सूत्र है वो सारे। वर्गों का जो योग होता है उसका तरीका मैंने बताया था कि ये तो बहुत आसान है, लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाले नंबर से 1 ज्यादा और लास्ट वाले नंबर से 2 ज्यादा, और बटे में 1 2 3 का भाग, ये तरीका दोनों में लगता है, चाहे से यहाँ सम आ जाता 2 4 6 8 आ जाता तो भी यही तरीका लगता, 1 3 5 7 आ गया तो भी वही तरीका लगता। अब लास्ट तक ये कहां तक जा रहा है वो आप देख ही रहा है कि ये 19 तक जा रहा है सर, तो मैं इसे सोल्व कैसे करता, तो आपको ये जो लास्ट वाला नंबर है उसे एल मानना है, लास्ट वाला नंबर हो गया 19, फिर 19 से 1 ज्यादा लेना है 20, 20 से 1 ज्यादा क्योंकि इसमें 2n नहीं है, l प्लस 2 है यानी कि 19, 19 से 1 ज्यादा फिर 1 ज्यादा यानी कि 21, सभी को जोड़ते हैं तो 2n प्लस 1 लेते हैं, वहां डबल से 1 ज्यादा लेते हैं लेकिन वो जब सारे हो तब की बात है, यहां तो तीनों संख्या क्रमागत आएंगी, ये 19 तो ये 20 21 क्रम से आएंगी, 1 2 3 का भाग लगा लेना बस खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 9 3 63 6 बचा 7 एकम 7 13 यानी 133 के एक जीरो आ जाएगी तो 1330 आपका राइट आंसर होगा। ये छोटे सा सूत्र है, इससे डायरेक्ट आप एक दो बार देखेंगे तो ये याद है आपको, कोई मुश्किल आप नहीं है, एक दो बार जैसे ही इसे देखेंगे
तो कभी भी विषम संख्याओं का मामला कहीं पर आए तो आप उनको जोड़ने के लिए उनके वर्गों का, विषम संख्या के वर्गों का दो दो घातों के साथ आ जाएं विषम संख्या, तो जोड़ने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, आसानी से उसे कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सातवां जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब का क्वेश्चन आ गया है सातवां, कि आप इसके क्यूब को कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, तो इसको कैसे सोल्व करते, आसान सी बात मैंने आपको बताई थी कि आप जैसे सामान्य से नंबरों को जोड़ते हैं, सामान्य नंबरों को कैसे, जैसे आप सामान्य नंबरों को जोड़ते हैं एक प्लस दो प्लस तीन, ये पिछले वीडियो में आपने सीखा कि ऐसे दस तक आ जाएं तो कैसे जोड़ते हैं, ये जो दस तक का टोटल होता है उससे ही रिलेट करके याद करें इसे। ऐसे वाली संख्याओं को जोड़ना हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को मिलाइए, 11 बटा 2 कर दीजिए, 10 और 1 11 बटा 2 और 1 कितने नंबर हैं उससे गुणा कर लीजिए 10 तक, और इसे काटेंगे तो ये 5 बार, तो 11 पंजे क्या हो जाएगा 55, और यदि इनका क्यूब कर दें आप, क्यूब को देखिए क्यूब में क्या होता है, क्यूब में जैसे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यदि ऐसे आपको 10 तक के क्यूबों को जोड़ना है तो आपको वैसा ही काम करना है जो इसमें किया है, लेकिन यहां उसका वर्ग उत्तर होता है, यानी कि जो संख्या होती है संख्या से एक ज्यादा और उसमें दो का भाग और इस सारे का जो प्राप्त हो उसका वर्ग करना पड़ता है, तब जाके इन घनों का योगफल आता है, ये वाली चीज। तो आप ये पहले वाली चीज याद है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 और एक 11, 11 बटा 2 गुणा हो जाएगा 10 से, और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो मैं इसका स्क्वायर करता तो ज्यादा कोई समस्या नहीं होती, काट लेते हम इसे 5 बार, 11 पंजे 55 और 55 गुणा 55, 55 को 55 से गुणा करना हम आगे और सीखेंगे, वर्गमूल घनमूल में डायरेक्ट होता है, ये 25 होता है और 5 को उसके सक्सेसिव से गुणा यानी 6 से गुणा, 6 पंजे 30, 3025, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ये एक तरीका होता है, एक से चालू होना बेहद जरूरी है ऐसे सवालों में, 20 से चालू हो तो उसके पुराने वाली चीजों को घटा दें, जैसे ये 11 से चालू होता 11 12 13 ऐसे 10 20 तक, तो आप 1 से 20 तक जोड़ते इस तरीके से और उसमें से 1 से 10 तक का घटा देते। कुछ आगे बात करेंगे उन पर भी हम, कुछ दो पांच क्वेश्चन और आने वाले हैं और ये क्वेश्चन कभी कभार आए हुए हैं तो आप फिर कभी कभार भी आए तो भी याद करना ही है हमें इन्हें। वैसा ही क्वेश्चन है, 20 तक है तो हमने कहा था कि इन्हें जोड़ने का तरीका होता है, आप संख्या कितनी है जैसे नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते थे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर, जो नॉर्मल संख्याओं का योग होता है उसका वर्ग करने से प्राप्त होता है घनों के योगफल का सूत्र। तो चलिए यहां से क्या करते हैं, 1 2 3 4, 1 से चालू है, 1 से चालू होंगे तो ही ये फॉर्मूले काम करेंगे, और 20 तक है तो 20 को ले लीजिए, 20 से एक ज्यादा ले लीजिए और बटे में 2 का भाग दे दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप कहेंगे सर 2 से कट रहा है ये 10 बार, 21 को 10 से गुणा करते हैं तो 210 और 210 गुणा 210 आएगा, तो 20 तो सीधी आ जानी है, 21 को 21 से गुणा करते हैं 441 आता है, 21 को 21 से गुणा, ये 20-30 तक के वर्ग आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और कर सकते हैं इसे, कोई मुश्किलात नहीं है, उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये चीजें 11 से हो तो आप 10 तक की चीजें इसमें से घटा देते, करते तो ऐसे ही ये 11 12 13 14 20 तक होता तो 1400 जो 44100 है, 44100 में से जो 10 तक का योग आए उसको घटा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर, फिर से ध्यान लगाइएगा क्या है इसमें, वैसी ही कुछ बातें हैं और वही प्रश्न है, ये प्रश्न का फॉर्मेट डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये 1 का क्यूब है, 8 होता है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, आप कहेंगे ये कहां तक है, ये 3375, ये 15 को 3 बार गुणा करने से आता है, क्योंकि 20 को 3 बार गुणा करोगे
तो 8000 के समथिंग होता है, तो ये 8000 नहीं है। आप सोचें कि ये सर 25 का हो जाता तो ये 20 का वर्ग तो आप घन तो जानते हैं, 20 को 3 बार गुणा करने से 8000 आता है, यानी 3 0 और 8 आता है तो आप जानते हैं, तो ये 15 का ही क्यूब है। तो यहां से अब इसे सॉल्व करते हैं तो आप सूत्र जानने ही लग गए हैं अब, कि जो सवाल इसे जोड़ने का तरीका होता है वो होता है एन एन प्लस वन, यानी ये 1 से चालू हो तब का तरीका है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करने से क्यूब वाला जुड़ता है, यानी नॉर्मल नंबर्स को जैसे जोड़ते हैं, ये क्यूब नहीं होता। 1 से 15 तक को जो जोड़ते हैं, 1 से 15 तक का जोड़ होता है उसका गुणा उसी से कर दें, वो इनके घनों का योगफल हो जाएगा। चलिए पहला 1 से चल रहा है तो 15, 15 से 1 ज्यादा कर लें 16, और 2 का भाग देके इसका क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो आप कहेंगे सर 2 काटेगा इसे 8 बार, 15 अंटे 120, 120 को 2 बार गुणा करना है, यानी 120 गुणा 120 करना है। तो आप कहेंगे सर 2 जीरो तो डायरेक्ट आ जाएंगी, 12 गुणा 12 144 होता है, 14400 इज द राइट आंसर। 14400 आपका सही जवाब यहां पर होता, कर सकते थे। चलिए और एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आपको इसी प्रकार के, ज्यादा फिर आपको समस्या नहीं है, कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं कि 2 का क्यूब, तो मैंने कॉमन लेना बताया था, ये कॉमन लेने वाले चैप्टर में और चर्चा करूंगा मैं इनकी, वहां भी आएंगे। कॉमन लेना जब भी 2 4 6 8 यहां आता, 3 6 9, 3 का पहाड़ा का क्यूब आ जाता, 2 का क्यूब, 2 4 6, 2 के पहाड़े का क्यूब आ गया, 5 के पहाड़े का क्यूब आ जाता कहीं पर, तो उसे कैसे सोल्व करते। देखिए इसमें से कॉमन लेते, मैंने कहा था इसका फर्स्ट टर्म कॉमन लें, सभी पदों में सेम संख्या का भाग जाए, तो पहली संख्या को कॉमन लें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को कॉमन लें, तो यहां बचेगा 1 का क्यूब, यहां बचेगा 2 का क्यूब, फिर बचेगा 3 का क्यूब, और ये सिलसिला चलेगा 10 के क्यूब तक, और 10 के क्यूब का जो मान है वो प्रश्न ने दे रखा है। देखिए 10 के क्यूब का जो मान है वो 3025 दे रखा है, 3025 लिखा हुआ है उधर ऊपर दे रखा है 3025। तो यहां से 3025, तो 3025 ये खाने, इस पूरे खाने का जो मान आ गया वो 3025 आ गया। तो अब आप कह सकते हैं 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, इस ब्रैकेट का पूरे का, इस ब्रैकेट का मान प्रश्न का गिवन है 3025। वैसे आप नहीं भी गिवन होता तो इसे जोड़ लेते, क्योंकि 1 से 10 तक का क्यूब का योग आता है, इस पे तो सूत्र अप्लाई होता है, 1 से लगाकर कंटिन्यूअसली जो नंबर होते हैं उनका तो सूत्र अप्लाई होता है। इसे करते तो 8 दिया 24, तो 3000 का 8 गुणा करते 24000, और 25 अंटे 200, 24200 आपका उत्तर आ जाएगा। तो 24200 ए ऑप्शन में था आपके, 24200 आसान चीज थी। तो ये चीजें अच्छे से समझ सकते हैं आप, इन्हें कर भी सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, पहले भी पूछे गए हैं, देख लीजिए इसे। ये तो कॉमन लेने वाली बात थी, इसमें तो सूत्र नहीं भी आते थे, कुछ तरीके भी नहीं आते थे, तो भी आप उसे कर ही सकते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन, अब ये 1 से चालू हो गया, 1 से चालू ना होकर 11 से चालू हो गया। मैं आपसे बात कर रहा था कुछ देर पहले कि यदि ये 1 से चालू हो तो ही सूत्र काम करेगा, तो आप क्या करें, 20 से आ गया तो पहले आप 1 से 20 तक जोड़ लें, यहां 1 से 20 तक का योग कर लें, 20 तक का योग कर लें, उसमें से क्या घटा दें, 1 से लगाकर इससे पहले पहले का घटा दें, 10 तक का इसमें से घटा दें। तो आप कहेंगे सर ये काम करने से कहां तक का योग आएगा, तो आप कहेंगे 11 से 20 का योग आएगा। वर्ग है तो वर्गों का फार्मूला लगा दें, क्यूब है तो क्यूब लगा दें, और क्यूब वूब नहीं है तो वैसे भी कर सकते हैं जो सामान्य नंबर होते हैं उनके साथ। तो यहां 11 से 20 तक निकालना हो तो 1 से 20 तक का सूत्र है और 1 से 10 तक का सूत्र मौजूद है, दोनों को घटा दें। अब सूत्र हमने बताया आपको कि कैसे लगते हैं और कौन से होते हैं, तो 1 से 20 तक का जो घन होता है उसमें अभी बताया था कि 20 को 1 से ज्यादा से गुणा कर दें, 20 21/2 कर दें, और इसका स्क्वायर कर दें, माइनस सेम यहां पर कि 10 ले लें, 10 से 1 ज्यादा 11 ले लें, फिर 2 ले लें, और इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें।
अब इसे काट सकते हैं आप, इसे आप काटिएगा तो दो काटेगा 10 बार, 21, 210, 21 गुणा 21 यानी 441 और 20 44,100 आएगा। माइनस यहां काटेंगे 5, 55, 55 गुणा 55 अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3025, 44,100 में से 3025 घटेंगे तो देखिए 44,000 में 3000 घटते हैं तो 41,100 बचते हैं और 25 घटते हैं तो 41,075 बच जाएंगे आपके पास। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये कुछ सवाल थे आपके जिन्हें करना आना चाहिए था। एक और दिखा देता हूं मैं, फिर थोड़ी सी शॉर्ट में सारी बातों को मैं बोलता हूं। चलिए इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में कि तीन पूर्णांकों का योग यदि 2030 हो तो बीच वाला पूर्णांक क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का, क्रमिक पूर्णांक है, पहला पूर्णांक उसका वर्ग प्लस दूसरा पूर्णांक पता नहीं क्या है, तीसरा पूर्णांक पता नहीं क्या है, लेकिन ये क्रमागत है। कैसे है ये क्रमागत है? पिछले प्रश्न में, पिछली प्रश्नावली में बताया था मैंने कि क्रमागत चीजें होती हैं वो थोड़ी आसान होती हैं। सबको जोड़ने से 2030 आता है। तो मैंने ये कहा था कि उसमें तीन का भाग देना, इस बीच वाले का मामला आ जाएगा। ये पूरा पूरा नंबर है तो इस बीच वाले का वहां भाग देने से बीच वाला नंबर आ जाएगा। ऐसे केस में आप क्या करें कि इसके बीच वाला नंबर कैसे प्राप्त करें? ये बीच वाला नंबर आता है जो इनका योग है उस योग में संख्याओं का भाग दे दें। यानी 2030 में आप तीन संख्या है तीन का भाग दे लें, एक पूर्णांक संख्या में नंबर आएगा पूरा पूरा, पॉइंटों में वाला का नहीं, पूरा पूरा आए वो ले लेना है। तो मैं तीन से काटता तो आप कहते सर 6 × 6 = 18, 2 + 7 = 21, 2 + 6 = 18 यानी 676। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंटों में हो तो भी आप पॉइंटों को नहीं लेंगे, पूरा पूरा नंबर लेंगे। तो ये बीच वाला जो नंबर हो गया वो हो गया 676। अब आप कहेंगे सर 676 काई का वर्ग होता है। यदि आपने 30 तक के वर्गों को याद नहीं किया है तो उन्हें अच्छे से याद कर लें, लिख लिख के याद कर लें कि एक का वर्ग क्या होता है, 2 × 2 यानी 4 होता है, 3 × 3 9, ऐसे 30 तक याद कर लें, 10-11 तक तो आपको याद होगा कुछ थोड़े थोड़े, 20-21 के सिंपल है, 15 का सिंपल है, तो सबको आप क्रम दर क्रम याद कर लें। कुछ याद मैं भी करवाऊंगा जैसे जैसे चलेंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है मेरे साथ साथ। तो 676 होता है 26 का क्यूब होता है, तो ये बीच वाली संख्या है वो 26 है, अगली संख्या क्रमिक है तो 27 का क्यूब और ये 25 का क्यूब, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2030 आएगा। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी, सबसे छोटी पूछे 25, सबसे बड़ी पूछे 27। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कुछ रेलवे ने पूछे हुए हैं आपके, तो बता सकते हैं, एसएससी में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये था आज आपके सामने जो सारा जुगाड़ था इन्हें जोड़ने का। आप सारी बातों को मैं रिवाइज कर देता हूं, आप कॉपी पेन सब चीजों को छोड़ दें और इसे सुने चीजों को। जो हमारी शुरुआत से बात चली थी वो ये थी कि आपके पास ऐसे आ जाए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये करते करते कहीं तक भी आ जाए 10 का स्क्वायर, ऐसे इसे कैसे जोड़ते हैं। तो इसके जोड़ने का जो तरीका होता है वो लास्ट वाली संख्या, लेकिन ये 1 से चलना चाहिए। तो तरीका होता है कि n + 1 2n + 1 / 6। ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, 1 से जब भी संख्याओं के वर्गों को कहीं तक भी जोड़ना हो तो आप जो लास्ट वाली संख्या है उसे उठा लीजिए, 10, 10 से 1 ज्यादा 20 और 10 के डबल से 1 ज्यादा, 10 का डबल 20 और 20 से 1 ज्यादा 21, यानी कि 10 उठा लीजिए, उससे 1 ज्यादा उठा लीजिए 11, इसके डबल से 1 ज्यादा तो डबल से 1 ज्यादा होता है 21, और भाग दे दीजिए 6 का। 6 का भाग देने का तरीका बताया था, 1 2 3 लिख लें तो इसे काटेंगे तो ये 5 बार और ये कितनी बार, 7 बार। आगे का काम जानते हैं आप। ये तो हो गया शुरुआत वाली चीजों को जोड़ना, जो भी वर्गों को। अब इसमें दूसरा काम, मैंने आपको कहा कि ये चीजें
आपके पास ऐसे भी आ सकती हैं कि एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाए, या पहले मैं बात कर लूं 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, बीच में से आ जाए, ये बीच में से आ जाए। ऊपर वाला सूत्र तभी काम देता है जब वो एक से चालू हो, वो वाली चीज तभी काम देती है जब ये एक से चालू हो। लेकिन अब 11 से तो कोई नई चीज तो याद करनी नहीं है, तो आप क्या कर लें कि सर हम एक से 20 तक ही जोड़ेंगे, इसे ऊपर वाले फॉर्मूले से ही जोड़ेंगे, एक से लगाकर 20 तक जोड़ेंगे। लेकिन प्रश्न तो 11 से जुड़वा रहा है, तो आप एक से लगाकर 10 तक का इसमें से घटा देंगे। तो ऐसे केस में आपको बताया कि एक से 20 तक का जोड़ आप जोड़ेंगे, उसमें से एक से 10 तक का घटा देंगे, यानी जहां पॉइंट से चालू हुई है उससे पिछला मैटर हटा देंगे उससे। तो ये ऊपर वाले तरीके से ही हो जाएगा, ऊपर वाली चीजें ही करेंगे कि 20 तक जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 20 21 20 का डबल यानी 40 एक 41 बटा 6 करेंगे, और वहां 10 तक को जोड़ने के लिए वैसा ही करेंगे, फिर उन्हें घटाएंगे, कुछ कॉमन लेके काट भी सकते हैं, जैसा भी आप कर पाए। अब इसके बाद मैंने कहा था कि ये वाले प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपके पास में सम या विषम संख्या होंगी, 2 4 6 ऐसे करते करते ये आ जाए 20 तक, ऐसा आ जाए। दूसरा आपके पास ये ऐसे आ जाए 1 3 5 ऐसे वर्ग में आ जाए, क्योंकि 19 तक 19 आएगी विषम संख्या। ये सम संख्या में हो सकते हैं, ये विषम संख्या में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। नीचे वाला देखिए, ये दोनों हैं वो थोड़े आसान हैं, इन दोनों को कैसे कर सकते हैं आप, तो इन्हें ज्यादा आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहां पर क्या करें कि जब भी आपके पास ये शुरुआत से चालू हो सम या विषम संख्याओं के वर्ग, तो इनका सूत्र डायरेक्ट होता है। जैसे ये 20 है तो आप 20 ले लें, इससे एक ज्यादा ले लें और फिर उससे एक ज्यादा, कंटिन्यूअसली लिखें ये, यानी 20 21 22 लगातार लिखें और इसमें 1 2 3 का भाग दे दें, वही 6 का भाग दे दें, वैसा ही वैसी सी ही फीलिंग है। ये 10 बार, ये 7 बार, 22 अंते 154 और 1540, तो ये हो जाता 1540। ऐसे आप उसे करते, जस्ट इसी प्रकार से इस नीचे वाले को करते, आप इस नीचे वाले को करते तो किस प्रकार से करते, एक से लगाकर कहीं तक की भी आपके पास विषम संख्याओं का मामला हो, विषम संख्याओं का मामला हो तो आपको वही तरीका लगाना है जो ऊपर लगाया। जैसे 19 है तो 19 गुणा 20 गुणा 21 लगातार इनको गुणा करते रहना है और 1 2 3 का भाग लगा देना है। तो आप कहेंगे सर ये 10 बार कट जाएगा, ये 7 बार, 19 अंत 133 यानी 1330 आपका राइट आंसर यहां से आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चीजें हैं, तो ये मैंने आपको आज बताई हैं। इसी के साथ साथ यदि कहीं आपको आपको कहीं क्यूब दे दे, तो क्यूबों को कैसा सोल्व करना सीखा है, जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब एक से लगाकर क्यूब दे दे तो कैसे करते हैं। इन क्यूबों को कम क्वेश्चन आते हैं फिर भी आप कर सकते हैं, इन क्यूबों को करते हैं जो लास्ट एक से लगाकर चालू होते हैं, लास्ट संख्या उससे एक ज्यादा और बटे में 2 का भाग और इसका स्क्वायर इसका वर्ग। तो ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे ये 10 है, एक से लगाकर कहां तक है उसे लेंगे, उससे एक ज्यादा लेंगे, बटे में 2 का भाग और इसको इसी से गुणा, इसको इसी से गुणा करेंगे, यानी यहां से 55 आएगा तो 55 को 55 से ही गुणा कर दें, ये इसका राइट आंसर होता, 55 गुणा 55 वो इसका राइट आंसर, ये आपने सीखा ही। मान लो ये चीजें 11 से आ जाती, 11 12 13 14 ऐसे 20 तक आ जाती, तो फिर आप करते हैं कि सर 1 से 20 तक जोड़ लीजिए, जैसे आप अभी जोड़ रहे थे वैसे जोड़ लीजिए, उसमें से 1 से लगाकर 10 तक का क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ऐसा करने से 11 से 20 तक का आ जाएगा, कभी क्वेश्चन हो ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई अंक निकाल के भी कर सकते हैं, इकाई अंक से भी ऑप्शन को मैच कर सकते हैं, लेकिन ये भी आसान चीजें हैं ऐसे। और सम संख्या में हो ऐसे कि 2 का क्यूब 4 का क्यूब या कोई 3 का पहाड़ा चल रहा हो, 3 का पहाड़ा चलेगा तो 3 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब, ऐसे वाली चीजें 30 के क्यूब तक जोड़िए ऐसे कह दे, या ये 2 4 6 का क्यूब 8 का क्यूब ऐसे करते करते 20 के क्यूब तक जोड़िए। तो इनमें कॉमन लेकर जोड़ सकते हैं, 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 का क्यूब बचता जाएगा,
यहां तीन की पावर तीन कॉमन लेंगे, एक की पावर तीन, दो की पावर तीन, फिर तीन की पावर तीन, ये कंटिन्यूअसली हो जाएंगे, ऊपर वाले पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएंगे, वन टू थ्री की तरह। तो ये सारी चीजें आपने आज से इस वीडियो में सीखी। वैसे कभी कभार इनके क्वेश्चन आए हुए हैं वर्गों के, फिर भी आप ध्यान रखें, कभी भी आपके सामने एक आध क्वेश्चन हो सकता है। आजकल जो एग्जाम्स होती हैं वो बहुत सारी शिफ्टों में होती हैं, तो अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, किसी को वर्ग दे दिया, किसी को सामान्य के जोड़ने के दे दिया, किसी को ये घनों को जोड़ने के दे दिया। तो आप अलग अलग शिफ्टों के एग्जाम में जाएं तो सारी तैयारी को पहले से पूर्ण करके जाएं। पता नहीं आप कौन से शिफ्ट में शामिल हों और वहां से कौन सा सवाल आ जाए। बाकी आप खुश होकर सीखते रहें, जितना आप सीख पाए उतना सीखते रहें, बाकी चीजें आराम से आती जाएंगी आपको, थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा था शुरुआती 15-20 क्लासें हैं, 19वीं क्लास थी आज, क्लास नंबर 19। वैसे क्लास के पार्ट अलग और ज्यादा हैं, लेकिन क्लासों वाइज पढ़ रहे हैं हम पूरी मैथमेटिक्स को। तो मैंने कहा था 20-25 क्लासों को शुरुआत में आपको सिर्फ सुनना है, उसके बाद हमारे टॉपिक्स चालू होंगे कुछ ही दिनों में, वो बेहतर ढंग से आप चीजों को कर पाएंगे यदि इन चीजों को थोड़ा थोड़ा भी आपने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप खुशी के साथ अच्छी तैयारी करते रहें, जोश के साथ करते रहें, कोई जगाने नहीं आए आपको, आप खुद जागिए, खुद में जोश भरिए। आप ये वेट मत कीजिए कि हमारे अंदर गुरुजन जोश भरेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी भरें, लेकिन आप खुद स्वेच्छा से अपने आप को तरोताजा कर लें, अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, जरूर हम नौकरी तक पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, टॉपिक 20 में फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहें और ख्याल रखें। धन्यवाद।